हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष टेक जॉन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्लिपकार्ट में किस प्रकार डेबिट कार्ड से आप एक ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीद सकते थे। पहले था कि इस दोस्तों कि आप बिना क्रेडिट कार्ड का ईएमआई में नहीं खरीद सकते थे, बट अभी फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है कि आप डेबिट कार्ड से भी आप ईएमआई में ख़रीद सकते हैं। पहले दोस्तों, अगर हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि बिना डॉक्यूमेंट्स का, ना प्रोसेसिंग फ़ी का, ना मिनिमम बैलेंस का आप डेबिट कार्ड से ईएमआई में ख़रीद सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक, फ्लिपकार्ट ने इन चारों बैंकों को प्रोवाइड किया है कि डेबिट कार्ड से आप फ्लिपकार्ट पे लोन दे सकते हैं। इसके लिए ना कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई प्रोसेसिंग फ़ी का ज़रूरत पड़ेगा। बस आपको रजिस्टर्ड मोबाइल से आपको मैसेज करना है DCEMI 257575 पर, और उसके बाद उधर से रिप्लाई आएगा कि आपको आपका लोन आप इसके लिए सक्सेस हैं। और पहला स्टेप पे आपको करना है दोस्तों Step 2, एवल डेबिट कार्ड ईएमआई। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड के पेज पे जाना है, ईएमआई योर पेमेंट सेक्शन, वहाँ ईएमआई का देगा ऑप्शन। उसके बाद सेकंड पे देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार आप चूज करना है कि कितने दिनों के लिए आपको करना है या किस बैंक से करना है। उसके बाद OTP पूछेगा दोस्तों, उसके बाद आप कंफर्म ईएमआई पेमेंट प्लान, आप कितने दिन का प्लान रख सकते हैं इसे कर सकते हैं। ये है हमारा फ्लिपकार्ट का डेबिट कार्ड से ईएमआई के लिए है सर दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो परेशान ना हो, आप डेबिट कार्ड से भी लोन ले सकते हैं। इसमें आपको सारा प्रोडक्ट मिलेगा। पहले तो आपको दोस्तों अपने मोबाइल नंबर से मैसेज करना है, उसके बाद रिप्लाई